अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है मंगलवार ट्यूसडे का दिन और लेके चलते हैं दरगाह शरीफ आपको। और दरगाह शरीफ में आज क्या माहौल बना हुआ है बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से, और लास्ट तक बने रहे वीडियो के अंदर। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक मंजा आने वाला आपको सही समय पर देखने को मिलता रहे। और तमाम दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है ट्यूसडे, मंगलवार का दिन, और आ चुके हैं दोस्तों दरगाह शरीफ निज़ाम गेट की ओर। वहाँ का माहौल देख लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों आज आपको हजूर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की हाजिरी मुबारक हो। और देख सकते हैं दोस्तों नज़दीक से और लिख के चलते हैं आपको, ये आ चुके हैं निज़ाम गेट की ओर। भीड़ का आलम बना हुआ है, आज भी काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है। और ये आ चुके हैं अंदर। ये दोस्तों जो आसपास का आप नज़ारा देख रहे हैं, ये 3 नंबर लंगर खाने की गली का है। और इसी के पास में दोस्तों ये सामने है वज़ू खाना आता है। और वज़ू खाने के आसपास का माहौल देख लीजिए दोस्तों, ये है बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाजे के आसपास का दोस्तों माहौल देख लीजिए। आगे की ओर चलते हैं जहाँ पे संदली मस्जिद है, और संदली मस्जिद के ये अंदर की ओर देख सकते हैं दोस्तों माहौल आज क्या बना हुआ है ट्यूसडे मंगलवार के दिन। देख लीजिए दोस्तों, ये बीबी साहब की मज़ार का पीछे से माहौल है, नजराना है। ज्यारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है आज भी। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है आज मंगलवार के दिन भी। और आप बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक बने रहें वीडियो के अंदर, और रोज़ आपको ऐसा ही मंजर दरगाह शरीफ का बताते रहेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों आता है नूर की ओर का माहौल देख लीजिए दोस्तों। ये संतजी मस्जिद से आगे की ओर आ चुके हैं, आता है नूर की ओर। ये कवाली हो रखी है, कवाली सुनिए दोस्तों। अब आपको लेके चलते हैं दोस्तों, आता है नूर के बड़े गेट से बाहर की ओर, जहाँ पे पायती गेट है। वो पायती गेट की ओर आज क्या माहौल बना हुआ है ये देख लीजिए दोस्तों। पायती गेट की ओर आ चुके हैं, जहाँ पे कवाली की महफिल भी होती है। और आसपास का माहौल देख लीजिए दोस्तों, सामने है ये दुकानें ख़रीदारी की, ऊपर है गुंबद शरीफ। ज़ियारत कर लीजिए, दुआएँ मांग लीजिए दोस्तों। यह आता है नूर की ओर से आपको पायती गेट की ओर लेके आ गए हैं। और पायती गेट की ओर का आप देख सकते हैं क्या माहौल बना हुआ है आज। सुभान अल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ आज। चलते हैं दोस्तों, आपको कवाली की महफिल सुनाते हैं कदम उसी की ओर। आइए दोस्तों, ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। अभी फ़िलहाल ये कादा मौसी की ओर खड़े हैं, और नज़दीक से आपको माहौल दिखा रहे हैं गरीब नवाज सरकार की मज़ार की ओर का। ज़ियारत कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों चलते हैं आस्ताना शरीफ के 3 नंबर गेट की ओर। ये देख लीजिए दोस्तों, पीछे कवाली हो रही है, और कवाली के पास ऊपर है गुंबद शरीफ। 3 नंबर गेट की ओर से माहौल देख लीजिए दोस्तों, ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए। चलते हैं आगे की ओर, देख लीजिए आज का क्या माहौल है, ज़ियारत कर लीजिए।
ये दोस्तों देख लीजिए आस्थाना शरीफ के 3 नंबर गेट से काफ़ी मेहमान जा रहे हैं जियारत के लिए। नज़दीक से आपको माहौल दिखा रहे हैं, जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों जन्नती दरवाजे की ओर। ये देख लीजिए दोस्तों जन्नती दरवाजे की ओर आ चुके हैं और आज का माहौल मंगलवार का क्या है देख लीजिए आज, और जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों 4 नंबर गेट आस्थाना शरीफ का। ये देख सकते हैं दोस्तों 4 नंबर गेट के पास में आ चुके हैं और काफ़ी मेहमान जियारत करके बाहर आ रहे हैं। और यहाँ का भी माहौल देख लीजिए दोस्तों, सुभान अल्लाह क्या माहौल बना हुआ है आज ट्यूसडे मंगलवार के दिन। ये दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है और ये आ गए हैं बाबा फरीद साहब के किले की ओर। जियारत कर लीजिए, दुआ मांग लीजिए दोस्तों। धूप लोबान होता है तो जब भी आए तो इस धूप लोबान को भी थोड़ा सा आप ले, जिससे कोई आपके नज़र हो या कुछ भी हो तो वो दूर हो जाती है दोस्तों। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है आज मंगलवार के दिन। आइए मेरे साथ जियारत कर लीजिए, दुआ मांग लीजिए। जैसे आप भी धूप ले तो कुछ इनका है वो पक्षी में आप ले जा सकते हैं घर पर। चलते हैं आगे की ओर। ये आ गए है अम्मा शरीफ की ओर, अम्मा शरीफ की मज़ार है और आसपास का माहौल देख लीजिए दोस्तों। अम्मा शरीफ की ओर जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। ये बाबा फरीद साहब का चिल्ला और पास में है अम्मा शरीफ की मज़ार, जियारत कर लीजिए। चलते हैं अब 10 नंबर गेट से शाहजानी मस्जिद में। ये 10 नंबर गेट की ओर का माहौल देख लीजिए, आ चुके अंदर शाहजानी मस्जिद में दोस्तों। आज का माहौल देख लीजिए दोस्तों शाहजानी मस्जिद का कैसा है। काफ़ी बच्चे खेल कूद रहे हैं और काफ़ी मेहमान बैठे हैं, कई मेहमान जियारत के लिए जा रहे हैं, कई इबादत कर रहे हैं यहाँ से। तो शाहजानी मस्जिद से कुंबा शरीफ है सामने, आप जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, जो भी मुराद हो आपकी पूरी हो। को शाहजानी मस्जिद से ये नीचे 3 नंबर आस्थाना शरीफ का गेट है, जैसे मेहमान जा रहे हैं अंदर जियारत के लिए। वहाँ का माहौल देख लीजिए दोस्तों कैसा है। आइए मेरे साथ जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए और तमाम मंजर आज का क्या है बना हुआ पूरा देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। सुभान अल्लाह शानदार माहौल बना हुआ ऊपर है गुंबद शरीफ। और आज मौसम दोस्तों ऐसा हो रखा है, धूप भी निकल रही है और बदल भी हो रहे हैं। बाकी अभी फ़िलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, आप आ जा सकते हैं और आराम से जियारत कर सकते हैं। बाकी अजमेर शरीफ में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है, बाकी बदल तो हो रहे हैं, बाकी आप आ जा सकते हैं, जियारत कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। मौसम में कोई अभी तब्दीली इतनी नहीं हो रखी जिससे कि बारिश आ रखी हो, आप आराम से आके जियारत कर लीजिए दोस्तों। धूप भी निकल रही है और बदल भी बने हुए ये देख सकते हैं दोस्तों।
आपको शाहजहानी मस्जिद से जन्नती दरवाजे की ओर का माहौल दिखा रहे हैं दोस्तों। ऊपर है गुंबद शरीफ और नीचे है जन्नती दरवाज़ा और पास में कई कुछ मेहमान बैठे हुए हैं, इनकी हाजिरी लगी हुई है, जिनके बूथ पर टूना टोटके का कोई साया है। और देख सकते हैं सामने बाबा फरीद साहब का चिल्ला है और आसपास का मंजर देख लीजिए दोस्तों। ऐसा ही मंजर रोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे इस चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से आप देखते रहें और लास्ट तक बने रहे वीडियो के अंदर, जिससे हर एक दिन का माहौल आपको समझ में आता रहे आज का दिन का कैसा है माहौल, और तमाम दोस्तों में शेयर करें। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसा ही मंजर आपके लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।